महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री रहे बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुंबई पुलिस और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर बड़ी सफलता हासिल की है। इस बारे में पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पोस्ट में बताया है कि इस मामले में 15वें आरोपी सुजीत सुशील सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। मुंबई के घाटकोपर निवासी सुजीत सुशील सिंह को पुलिस ने लुधियाना से अपने कब्जे में लिया है। लुधियाना के जिस एरिया से सुजीत को कल गिरफ्तार किया गया है वहाँ उसका ससुराल है। पंजाब पुलिस ने बताया कि वो एक महीने पहले पंजाब के लुधियाना भाग गया था, जहां से उसे शुक्रवार को गिरफ्तार किया गया। वो एक महीने से अधिक समय से शहर में अपने ससुराल वालों के घर पर छिपा हुआ था। बाबा सिद्दीकी की हाई प्रोफाइल हत्या मामले में वो आरोपी है। मुंबई पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। उसे 3 दिन पहले ही बाबा सिद्दीकी की हत्या की योजना के बारे में नितिन गौतम सप्रे एक अन्य आरोपी ने सूचित किया था। खास बात यह है कि उसने हत्या आरोपियों की मदद भी की थी। पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार सुजीत सुशील सिंह को आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को सौंप दिया है। डीजीपी ने अपने पोस्ट में ये भी लिखा है कि निर्बाध सहयोग के लिए हमारी प्रतिबद्धता में एकजुट होकर पंजाब पुलिस और मुंबई पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। ये सार्वजनिक सुरक्षा और न्याय के प्रति हमारी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो राज्य की सीमाओं पर सुरक्षा को मजबूत करता है। वहीं दूसरी तरफ बाबा सिद्दीकी के मर्डर केस के बाद जांच एजेंसियों ने लॉरेंस बिश्नोई पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। लॉरेंस बिश्नोई बेशक जेल में है, लेकिन बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करने में उसके छोटे भाई अनमोल बिश्नोई का हाथ है। ऐसे में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। जो भी अनमोल बिश्नोई को पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, NIA उस शख्स को 10 लाख रुपए इनाम के तौर पर देगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बिश्नोई गैंग के 2 कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बरार कनाडा में रहते हैं। दोनों गैंगस्टर विदेश से ही बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करते हैं। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या से लेकर सलमान खान के घर पर फायरिंग करवाने और बाबा सिद्दीकी को मौत के घाट उतारने में अनमोल बिश्नोई का ही हाथ था। मुंबई के प्रमुख मुस्लिम नेता बाबा सिद्दीकी कई बॉलीवुड सितारों के करीबी थे। बाबा सिद्दीकी अपनी इफ्तार पार्टी के लिए जाने जाते थे। वो हर साल इफ्तार पार्टी का आयोजन धूमधाम से करते थे और पार्टी में बॉलीवुड से जुड़े बड़े सितारों को आमंत्रित करते थे। उनकी इफ्तार पार्टी में सितारों का मेला देखने को मिलता था। बता दें कि बाबा सिद्दीकी की 12 अक्टूबर की रात को मुंबई के बांद्रा ईस्ट में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या अज्ञात लोगों ने की थी। बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या उस समय हुई जब वो अपने विधायक बेटे जुशान सिद्दीकी के दफ्तर के बाहर थे। हमलावर गाड़ी से आए थे और वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए थे। बाबा सिद्दीकी की हत्या से 15 दिन पहले ही उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। वो Y कैटेगरी की सुरक्षा में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब के TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।